भारतवर्ष में पाया जाने वाला एक ऐसा फूल जो आपको सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। हेलो दोस्तों, मैं ऋचा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तड़का स्वाद का में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक होममेड रेमेडी लेकर आए हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं कि एक ही फूल का बीज और ये फूल, इससे आपको कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये जो फूल है, इसका जो पौधा पेड़ होता है वो पलाश नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में ये सभी जगहों पे ज्यादातर पाया जाता है। अब इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है, परंतु पहले के टाइम पर ये जगह जगह आपको हर जगह पेड़ मिल जाता था। इसके जो उपयोगिताएं हैं, वह कई सारी बीमारियों को दूर करता है। प्लस जो हमारी दरी होती है, पत्तल होती है, कागज, इसके जो पत्ते, छाल, इन सब से भी बनाए जाते हैं। इससे कोयला भी बनाया जाता है। अगर आपके बच्चों को बुखार है तो उसके लिए भी लाभदायक है। और वो जो हमारे यहाँ होली के जो रंग बनते हैं, दोस्तों, जो होली के रंग बनते हैं वो इस फूल से ही बनाए जाते हैं। और इसके जो कई सारे नाम हैं, पलाश, शूल, परसा, ढाके, टेसु, किशुम, केसु, नाम से जाना जाता है। इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो फूल होता है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो फूल मेरे हाथ में है, ये हमारे पास है, ये ड्राई किया हुआ फूल जो आपको तुरंत जो पेड़ों पर मिलता है, वह एक लाल कलर का सुंदर आकर्षित फूल होता है, जिसमें कि ये आप देख रहे हैं कि बीज इस तरीके के बीज होते हैं। जब हम इसको उबालते हैं तब इससे होली में जो कलर होता है वह बनाया जाता है। और इससे सूजन को कम करने, सूक्ष्म कीटाणु वगैरह और एसिडिटी की प्रॉब्लम, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इससे एक आपको रेमेडी बना के दिखाएंगे, जो कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट हुई या फिर फ्रैक्चर हुआ, किसी भी सूजन को कम करने और दर्द को बिल्कुल गायब करने के लिए एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, आज हम उसको आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक भगोनी लेनी है और उसमें पानी डालना है। पानी को हम आप देख रहे हैं कि पहले से बॉईल करने के लिए हमने रख दिया था, तो अच्छा बॉईल हो चुका है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये टेसु के फूल आप देख रहे हैं, ये जो टेसु के फूल है उसको हमें इसमें डालना है। तो हम आधा कप टेसु के फूल इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है, ये है फिटकरी। फिटकरी तो आप जानते ही होंगे, इसको कई जगह पर लगाया जाता है। दर्द होने पर और सूजन को कम करने पर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और इसको जब जेंट्स शेविंग वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कट लग जाता है, तब भी फिटकरी का यूज किया जाता है। तो ये हम एक चम्मच फिटकरी इसमें ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये कितना झाग दे रही है, यही है हमारी रामबाण दवाई। और ये सेंधा नमक भी दर्द को और सूजन को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। तो एक चम्मच हम सेंधा नमक इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये अच्छा बॉईल होने पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके का पीला कलर आ गया है। इसी कलर से होली के रंग बनाए जाते हैं। और इसके जो फूल होते हैं, ये देखिए, इसको जब ये अच्छे से पानी में फूल जाते हैं और इसको पीस के हम अपने फेस पे लगाएं, तो उससे हमारे फेस की चमकदार स्किन, जो ग्लोइंग स्किन बोलते हैं, वो निकल के आती है। और इसका जो पानी होता है, इससे नहाने से ताजगी महसूस होती है और लू भी नहीं लगती। इसके कई सारे वो ऐसे गुण हैं जो कि आपको बताते बताते भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी जो रामबाण दवाई है, बस ये बॉयल हो चुकी है। इसका देख रहे हैं कि आप कलर भी आ चुका है और इतना जो गर्म है, इसमें थोड़ी देर इन फूलों को डालकर ही रखना है। डालने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाएंगे, उसके बाद आपके
हाथ में हो या पैर में हो, कहीं पर भी सूजन हो या दर्द की शिकायत हो, दोस्तों इस पानी से आप सिकाई कर लीजिए। यकीन मानिए आपका जो दर्द है वो छू मंतर हो जाएगा। छू मंतर इसका लगातार उपयोग करिए, दिन में 2 बार आप उपयोग करिए और महीने 15 दिन महीने तक करिए। आपका कैसा भी दर्द हो, सूजन का दर्द हो, कोई भी चोट का दर्द हो, सब आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।